अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, मज़े से ईद गुजार रहे होंगे। आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। जो रोज़े आप लोगों ने रखे हैं पूरे माह रमज़ान के रोज़ों की, आपको जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। जितने भी मेरे दोस्त इस वक्त मुझे देख रहे हैं, रिलेटिव्स देख रहे हैं, या फिर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सबको जो है वो ईद मुबारक, बहुत ज़्यादा ईद मुबारक आप सबको। आई होप कि आप लोग जो है वो अपनी ईद को इंजॉय कर रहे होंगे बेहतरीन अंदाज़ में। तो ईद की इंजॉयमेंट के हवाले से मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो आपने अपनी ईद सादगी से जो है वो मनानी है। उसकी रीज़न ये है कि पिछले दिनों, अभी दो तीन दिन ही हुए हैं कि कराची में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जो कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारा जानी नुकसान भी वहाँ पे हुआ है। तो इसलिए हमें उन शहदा के लिए भी दुआ करनी है और उनके लवाहिकीन के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको जो है वो सब्र जमील अता फरमाए। और दूसरा, ईद की सेलिब्रेशन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आपने जितनी भी सेलिब्रेशंस करनी है, जिस तरह भी करनी है वो करें, लेकिन उसमें आपने सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियाती तदाबीर जो है वो ज़रूर अपनानी है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कोविड-19 ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि आप किसी से जाके मिलें, मतलब अपने दोस्तों से, फैमिली से, फ्रेंड से, तो मतलब इस वायरस को जो है वो ज़्यादा फैलने का मौका मिले। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और ईद सादगी से मनाएं। जितने भी उस हादसे के अंदर, जो कि PIA का जहाज़ क्रैश हुआ, उसके अंदर जितने भी शहीद हुए, सबके लिए दुआ करें, सबके लवाहिकीन के लिए दुआ करें। अपनी ईद को भरपूर अंदाज में जो है वो मनाएं। इर्द गिर्द आपने जो है वो अपने जो गरीब आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, हमसाए हैं आपके, जितने भी हैं जो कि मुस्तहिक हैं, सबके साथ आपने मिलजुल के ईद मनानी है, उनकी हेल्प भी करनी है। तो आई होप कि आप लोग जो है इन बातों पे अमल करेंगे और अपनी ईद को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। तो ऑब्वियसली मतलब अपनी ईद की खुशियों को थोड़ा सा, मतलब इसके लिए रिस्क लेना कि हम इनको सादगी से मनाएं या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ईद तो वैसे भी साल एक साल के बाद आती है। तो ये चीज़ें थोड़ा मैनेज करना थोड़ी मुश्किल हैं, लेकिन मजबूरी है, इसमें आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। दोबारा फिर मैं आपको कहता हूँ कि ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आपको, चांद रात की मुबारक हो, और जो रमज़ान के रोज़े हैं उनकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको, आपकी फैमिलीज़ को, आपके रिलेटिव्स को, सबको जो है वो ईद की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। सबको अपनी दुआ में याद रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।